मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज का ब्लॉग मैंने शुरू कर लिया है और आज का मौसम भी बढ़िया है। तो कल भी साफ सा दो दिन हो गया, अब साफ निकल रहा है। तो आज भी टाइम से धूप निकल गई थी और अभी मैं नहा लिया हूँ, खाना वगैरह मैंने खा लिया है। तो अभी चलेंगे मंदिर, तो मैं पहले नाथ जी मंदिर जाऊँगा, तो फिर हम आगे मोटर ब्लॉग करेंगे। तो आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर लिया है। तो खाना वगैरह मैंने पहले खा लिया था, फिर नहा लिया और अब ब्लॉग स्टार्ट करिए मस्त। तो धूप अच्छी निकल चुकी है, मौसम भी पूरा साफ है और अब चलेंगे मंदिर, नाथ जी मंदिर बाल नंबर एक में। तो ज़्यादा दूर नहीं, पास में ही है। तो मोटो ब्लॉग करते जाएंगे मंदिर से, फिर बाद में बाज़ार में चलेंगे मार्केट में, तो वहाँ का शूट करेंगे, फिर आगे देखेंगे। तो आप लोग अच्छे होंगे, ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तो मिलते हैं बाद में, फिर निकलता हूँ। आज वो फूलों पर एक बड़ी मक्खी आ चुकी है। तो तीन प्रकार की मक्खी देखी है मैंने, शहद मक्खी जो कल दिखाई थी वो नॉर्मल थी, वो दूसरे पॉइंट पे आती है और थर्ड आती है सबसे बड़ी, जो कि इंसान को भी डैमेज पहुंचा सकती है, हानिकारक होती है, तो सबसे बड़ी मानते हैं वो। तो मैंने उनका सिमेटिक बनाया, थोड़ा सिनेमेटिक वीडियो, यहीं पर उड़ रही है वो पीछे सोगरों पर। तो यहाँ पर सारी मक्खी आ रही है, देसी में ये भी आ रही है बड़ी, कल दिखाई थी मैंने, और आज आई इससे बड़ी, तो ब्लैक कलर की होती है बड़ी। तो मैं आपको दिखाऊंगा इसमें बनाया मैंने सिनेमेटिक, तो आपको दिख जाएगा सबसे बड़ी, इससे भी बड़ी है और तीसरे लेवल की है वो। तो उससे बहुत दर्द होता है खाने के बाद में, तो ये दर्द तो इनके ही होता है पर बहुत ज़्यादा डेंजर होती है। तो आपको दिख जाएगा वो, तो सिनेमेटिक बनाया मैंने, तो पूरा रिस्की काम था, तो वो भिड़ती, जब भिड़ती है ना तभी खा जाती है वो। तो गाइज अभी मंदिर पहुंच गया हूं और मैंने धोख लगा लिया है। तो आज धोख लगाने आया था मैं, और वैसे ब्लॉग वगैरह तो बाद बना लिया मैंने यहाँ पे, तो एक वीडियो एक ब्लॉग और बना लिया है। तो मेरे को ये मस्त लगती है ये वाली चीज़, वाइट वाइट रेड वाइट में कन्वर्ट है ये, और अभी धोख लगा लिया, अभी निकलते हैं यहाँ से। ये मंदिर है नाथ जी बाबा का बाल नंबर दो में। तो ये यहाँ पे छतरी बनी हुई है पुराने टाइम से, आप लोग जानते हो, ब्लॉग देख लेना मेरा, इसमें ब्लॉग पूरा तैयार हुआ है। लगा लिया है और अब निकलता हूँ बाज़ार की तरफ से, थोड़ा बाज़ार में घूम के चलते हैं घर पे। तो
मंदिर पे दो कुबेरा लगा लिए, दर्शन कर लिए और शाम को खुलता है मंदिर। तो अभी मैं टाइम मिला था अभी आ गया और बाज़ार चलते हैं, फिर धूप ही अच्छी निकली आज। तो आगे का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, मोटो ब्लॉग। अगले वीरवार को और आएंगे हम, नेक्स्ट वीरवार आएगा ना गुरु। गाइज अभी आ गया हूँ घर पे, तो बाज़ार से होकर मंदिर से होकर, तो पहले मंदिर गया था फिर बाज़ार में पूरा घूमा, तो मस्त मोटो ब्लॉग बनाया और अभी आ गया हूँ घर पे। तो अभी भी धूप बाकी पड़ी है, टाइम पड़ा है, तो आगे कंटिन्यू रखेंगे ब्लॉग को, लाइक करते रहिए। और बाज़ार से आगे ब्लॉग स्टार्ट किया, अभी घर पर आ गया हूँ, मिलते हैं बाद में। गाइज आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको सबसे पहले मेरे ब्लॉग देखने को मिले। तो नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, तो उसे भी ज़रूरी होता है, अगर वो नहीं किया हुआ फिर ब्लॉग आपको कम दिखते हैं, मिस हो जाते हैं बीच में, तो प्रत्येक ब्लॉग आपको मिलते रहेंगे। तो अगर कोई आपको डाउट है या कोई आगे का टॉपिक बताना हो तो कमेंट कर देना, उसके हिसाब से मैं पहला टॉपिक वही बना दूंगा। बाकी दो दिन हो गए, मौसम साफ चल रहा है और कल ही साफ रहा या साफ रहने लग गया, तो नेक्स्ट प्लान करते हैं, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट बढ़िया बढ़िया जगह पर जाएंगे। और बता देना कोई डाउट हो तो, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग मंदिर वाला भी था और मोटो ब्लॉग भी था और कुछ, तो मस्त मस्त ब्लॉग बनाए हैं, तो आपको अच्छा लगेगा। और आज के ब्लॉग में मैंने बड़ी मक्खी दिखाई है, तो वैसे सेहत वाली मक्खी तीन प्रकार की होती है, मैंने तीन ही देखी है, तो सबसे बड़ी वाली भी आज देख लोगे आप। और बाकी पहली फर्स्ट है वो मैंने नहीं दिखाई, वो एक बारीक होती है, दूसरे लेवल की कल दिखाई थी, तीसरे लेवल की आज देख लेना, और छोटी छोटी वो नहीं दिखी अभी मेरे को, तो वो दिखाने वो तो सब जानते हैं पर ये बड़ी वाली कम जानते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा होता है जहर होता है और दर्द बहुत होता है इससे, तो आपको अच्छा लगेगा तो ब्लॉग को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, जय श्री राम।